विराट तुम्हें पानी चाहिए? विराट पानी पी लो। थैंक यू विराट, तुमने देवी को माफ कर दिया। थैंक यू कि तुमने समझा कि उस वक्त देवी ने जो कुछ भी किया या कहा वो किस हालात में कहा। विराट प्लीज हम सबकी भी बात मान लो, क्योंकि हम सबने जो कुछ भी किया वो उन हालातों में किया। प्लीज इस बात को समझने की कोशिश करो। नहीं पुरकित, मेरी देवी ताई बहुत भोली है, जो उनकी आंखें देखती है वही समझती है। बिल्कुल बच्चों जैसी है, ना किसी की अच्छाई याद रखती है ना किसी की बुराई। पर ये लोग ये सब समझते हैं, ये सब मुझे जानते हैं। मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, मेरी परवरिश क्या है, सब कुछ जानते हुए भी मुझ पर शक किया है इन्होंने। शक नहीं, फैसला सुना दिया सीधा कि मैं गलत हूं। जब मैं सही समय में हॉस्पिटल आया था तब आपने मुझसे क्या कहा था, याद है? इतना सब कुछ हो गया और अब भी तुम सही को अपनी वाइफ कह रहे हो, उस पर अपना हक जता रहे हो? आपने मुझ पर सही को किडनैप करने का इल्जाम भी लगाया, मुझे गाली देने से पहले एक बार सोचा भी नहीं। Get out. ये क्या था? I said get out, you rascal. इसलिए पुरकित, किसी की भी तरफदारी मत करना मेरे सामने, खास तौर पर अपनी। यहाँ पर खड़ा हर एक शख्स ने मुझे मुजरिम माना है। किसी ने धोखेबाज, तो किसी ने कठिया, किसी ने पता नहीं क्या कुछ नहीं मान लिया। अब सिर्फ सही का साथ देना चाहते थे। एक भी बार नहीं सोचा कि मेरे क्या क्या नहीं झेला है। विराट झेला तो सही ने भी बहुत कुछ है ना, जख्मी हालत में उसने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए। ये सब सही के खिलाफ थे, लेकिन सही ने हार नहीं मानी, क्योंकि बात तुम्हारी जिंदगी की थी। ये सही की बात कहां से आई बीच में? हमारे परिवार के मामले में बाहर वालों का नाम मत लो। हम विराट से हम बात सब अगर इस वक्त विराट से बात कर रहे हैं तो उसकी वजह सही है। विराट अगर इस वक्त सांस ले रहा है उसकी वजह भी सही है। तुम नहीं जानते तुम्हारी जान बचाने के लिए सही ने क्या क्या नहीं किया। आपको सच में लगता है सही ने मेरी जान बचाई? सच में ऐसा लगता है कि मैं बच गया? ऑफ कोर्स विराट, आज तुम्हारी जान सही की वजह से बची है। अगर वो तुम्हें हॉस्पिटल नहीं लेकर आती, तुम्हें एडमिट नहीं कराती, और तो और जख्मी हालत में उसने तुम्हारे लिए गोडाउन जाके इंजेक्शन चुराया, अगर वो सही वक्त पर इंजेक्शन नहीं लाती जो पूरे नागपुर में अवेलेबल नहीं था, तो आज तुम मर जाता। मर जाने देते। जब मेरे पूरे परिवार ने मेरा साथ छोड़ दिया, सही ने साथ छोड़ दिया, जब मेरे अपनों ने मुझ पर विश्वास नहीं किया, तो क्या फर्क पड़ता है? अगर मुझे सच में सदा का वादा नहीं निभाना होता, अगर श्रुति और साहस को बचाना नहीं होता, उनकी जिम्मेदारी निभानी नहीं होती, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं जिंदा भी हूं या नहीं। सही ने उस विराट को नहीं बचाया जिसे आप लोग जानते। सही ने तो सिर्फ एक लाश को बचाया, और सही ने खुद कहा है कि एक लाश को बचाया नहीं जाता, सिर्फ जलाया जाता है। विराट
सही ने उस विराट को नहीं बचाया जिसे आप लोग जानते हो। सही ने तो सिर्फ एक लाश को बचाया, और सही ने खुद कहा है कि एक लाश को बचाया नहीं जाता, सिर्फ जस्ट जलाया जाता है। विराट, मत बोलो ना ऐसे, प्लीज मत बोलो, तुम्हारी जान बच गई है ना मेरा, खुद के लिए ऐसे आप शब्द मत निकालो। मेरे मरने के बारे में सिर्फ दुआएं देने का आपको ही हक है। कितनी आसानी से कह दिया था कि काश मैं उस मिशन से लौटता ही नहीं, तभी मैंने आपसे कुछ पूछा था। आप क्यों रो रही हैं? अरे किस लिए रो रही हैं? अपने मरे हुए बेटे के लिए रो रही हैं? तो आज आप किस लिए रो रही हैं? क्योंकि आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई, बदकिस्मती से मैं आज भी बच गया। मैं तो डर गई थी, मेरी तो हिम्मत भी नहीं हो रही थी तुम्हारे सामने आने के लिए कि क्या करूं बेटा, मैं आई हूँ ना तुम्हारे, तुम बेटे हो ना मेरे, तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। AI. लोगों की अक्ल पर ताले पड़ते हैं, जजमेंट पर ताले पड़ते हैं, आपकी ममता पर कैसे पड़ गए ताले मुझे समझ ही नहीं आया। मुझे आपके मारे चाटों ने इतनी तकलीफ नहीं पहुंचाई है जितनी आपकी कही बातों ने। मेरी और विराट की परवरिश का क्या, सारी की सारी परवरिश मिट्टी में मिल गई। अब ये सब कुछ भूल जाओ, भूल जाओ ना, नए सिरे से शुरुआत करते हैं ना। मैं चाहे कितनी भी नई शुरुआत कर लूं, आप सबकी दी हुई बद्दुआएं हमेशा मेरे साथ रहेंगी। आप सब यही चाहते थे ना कि मैं कभी खुश ना रहूं। भगवान मुझे मेरे कर्मों की सजा दे। यहाँ खड़ा हर शख्स यही चाहता था कि मैं हमेशा हमेशा के लिए दूर चला जाऊं। तो फिर ये मुझे जिंदा देखकर यह इतने खुश क्यों दिख रहे हैं आप लोग? आप लोग को मातम मनाना चाहिए, आप सबकी इच्छा है मार डाली है मैंने। प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, अकेला छोड़ दीजिए मुझे। विराट शांत हो जा बेटे, हम कुछ नहीं कहेंगे, कोई कुछ नहीं कहेगा बेटे। तो फिर क्यों बचाया मुझे? शांत हो बेटा, प्लीज शांत हो। मर जाने देते ना, जब मन की इच्छा यही थी कि मैं मर जाऊं तो डॉक्टर से क्यों कहा मुझे बचाने के लिए? मैं जिंदा नहीं हूँ, मैं एक लाश हूँ, लाश, मैं लाश हूँ, एक लाश हूँ। डॉक्टर सब क्या हो रहा है? अकेला छोड़ दो मुझे, अकेला छोड़ दो, सबको निकालो यहाँ से। प्लीज आप लोग प्लीज बाहर जाइए, इन्हें अकेला छोड़ दीजिए। एंड सिस्टर, बिना मेरे परमिशन के कोई अंदर नहीं आएगा, इज दैट क्लियर? यस सर। गेट द इंजेक्शन रेडी क्विक। डॉक्टर अकेले रहना है, मुझे नहीं जीना।